में चला मम्मी पे प्रैंक हैं। ड्रेस कौन सी ड्रेस, यही पहन के तो गए थे हा? क्या भाग इसके पास आए उठो अनम्मा बेड कवर क्यों पिलो कवर बेड कवर और अब इसको खोलते हैं। खुल जा 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 खुल जा। हेलो गाइस वेलकम बैक चैनल ब्लॉग। तो गाइस सुबह का टाइम हो रहा है 7:30 और गाइस मेरे जैसे ही मैं अपने जूते पहन रहा था बाहर स्कूल ड्रेस से मेरे पापा आ गए। ये देखो पापा और गाइस ये इनका फ़ोन आया होगा 7 बजे कि हमें लेने आ जाओ बस स्टैंड पे, मतलब यहाँ पे चैटर बस आई थी ना जहाँ से निकली थी वहीं पर। तो मैं तो सो रहा था, अभी उठाऊँ मतलब 15 मिनट पहले उठाऊँ और पापा का फ़ोन आया। तो पापा फिर बिक्कियाओं के साथ आए, पता नहीं बिक्कियाओं पापा को कहाँ मिल गए, नहीं तो फिर पापा को ऑटो करके आना पड़ता पता नहीं था। और मेरा फ़ोन वाइब्रेट पे भी रहता है क्योंकि बहुत मैसेज आते हैं, इसलिए वाइब्रेट पे रख देते हैं अपन मोबाइल को इसलिए। तो गाइस अपन यहाँ पे दूध आ चुका है, दूध पीते हैं फिर जाएंगे अपन बस से क्योंकि अपनी बस आएगी 8:15 पे, तो अपन लोग 8:05 पे वहाँ पहुँच जाएंगे। भैया टाइम पे जाओ तो अच्छा रहता है। गाइस तो यहाँ पर मेरा लंच भी बन चुका है और लंच में आज क्या पता नहीं मम्मा ने नया रखा हुआ, देखते हैं। आराम से भैया आराम। ए छोले मैंने देख लिए गाइस, छोले हैं छोले। अरे इतनी गर्म, अबे इतनी गर्म भी नहीं है, इसको तो मैं हाथ ही से उठा लूँगा। ये देखो गाइस ये देखो छोले, मेरे को सूखे वाले छोले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मेरे को रसीले वाले छोले अच्छे नहीं लगते हैं, मुझे सूखे वाले मतलब बिना पानी वाले अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर रोटी बन चुकी है क्योंकि रोटी ले जानी चाहिए, पूड़ी नहीं खानी चाहिए क्योंकि पूड़ी में तेल मेल रहता है तेल, इसलिए रोटी ले जाते हैं। और अपना इस लंच में मम्मी रखेंगी। तो चलो गाइस जल्दी से मम्मी लंच दें फिर अपन लोग चले हैं। मम्मी कह रही है अभी तो टाइम है नहीं, टाइम नहीं है ना, वही तो दिक्कत है, इसलिए जल्दी जल्दी करना है काम। गाइस मैं स्कूल से आ चुका हूँ और मेरी ड्रेस चेंज हो चुकी है देखो, क्योंकि आज थी कलर मतलब अपनी हाउस ड्रेस पहनने का और हमारे पास थी नहीं, तो मैंने वहीं पर ख़रीद ली और चेंज कर ली और अपनी ये वाली ड्रेस है। तो अपन लोग मम्मी पे प्रैंक करेंगे, चलो मम्मी पे प्रैंक, क्योंकि मम्मी कहेंगी ये कौन सी ड्रेस पहन कर आ गए तुम। मां हैं ड्रेस ही पहन ली, ड्रेस कौन सी ड्रेस, यही पहन के तो गए थे हा? क्या भाग देंगे अभी एक दूर। मम्मा यही ड्रेस पहन के गए थे, पापा ने दिलाई थी ना। अरे छोड़ तो, पापा ने दिलाई थी, मैंने कहा था पापा ने पैसे दिए थे कि वहां ले लेना। नहीं नहीं दिए। हाँ पता है उसमें देख ले, उसमें ब्लॉग ही नहीं बनाया तो कहाँ नहीं बनाया, सही में बनाया था। हम कह रहे अभी ड्रेस पहन के गए थे तो गए थे नहीं, गए थे ना। सो रहे तुमने नींद खराब क्यों की, क्योंकि आप को सोने नहीं देना है, आपको सोने नहीं देना है, जल्दी उठते हैं ना, तुम्हारे कारण नींद आ रही है। पता ही इनको हम कह रहे यही ड्रेस पहन कर गए थे, पर अपनी मन से कुछ भी बोलती रहती हैं। हैं ये है जो आज ड्रेस ली हमने, कुर्ते का पजामा हो रहा है, तो कुर्ते का पजामा प्लाजो, कौन सा कपड़ा है ये है लोवर प्लाजो, फिटिंग करवानी पड़ेगी, फिटिंग करवानी पड़ेगी। अरे वो ऐसे ही ठीक है बेटा। नहीं भैया फिटिंग करवाएंगे, ऐसे क्या ठीक है, फिटिंग करवाएंगे। कैसे भी अपन लोग आए हैं इसके पास आए उठो उठो, अरे उठ जा रे, नहीं उठेगा ठीक है तो फिर। हाँ तो अभी मैं आया हूँ भैया के पास। अरे हाँ तो मैं बोल रहा था अभी मैं आया हूँ भैया के पास। और भैया एक बात बताओ, अबे आपका स्कूल कितने बजे छूटता है? हमारा
मेरा स्कूल 2 बजे तक छूटता है। और मेरा स्कूल छूटता है 3 बजे। 3 बजे छूटता है और आप 3 बजे आ जाते होगे, फिर आप वो करते होगे, अपना खाना वाना खाते होगे, कपड़े वपड़े उतारते होगे, वो करते होगे ना। मैं भैया के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाता हूँ, है ना भैया? हाँ। लेकिन अभी मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूँ क्योंकि भैया भी फ्री है और मैं भी फ्री हूँ। चलो। A few moments later, guys, भैया ये हरकत इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको खाना है ये, इसलिए भैया हरकतें कर रहा है कि मुझे खिला दो मुझे खिला दो, ये बहुत टेस्टी लगता है गाइस, ये गुजरात स्वीट से लिया था, खाना है सही में? हाँ। तो अच्छे से बोलो हर्षू भैया, हर्षू भैया हमें खाना है। खाना है खाना है, हमको भी खाना है, तो दोनों शेयर करके खाएंगे। गुनगुन दीदी तो है ही नहीं, तो अपन लोग का ही तो है ये, सिर्फ अपन दोनों खाएंगे, है ना गाइस? दीदी नहीं है तब हम दोनों बस खाएंगे। हाँ। अब चलो तो इसको खोलते हैं और खाते हैं, है ना? हाँ। तो गाइस यहाँ पर हमने पैकेट खोल लिया है, ये देखो भैया टेस्ट करके बताओ कैसा है, क्योंकि अपन ने पिछली बार लिया था वो मीठा था ना। अच्छा है। कैसा, कितना अच्छा? पहले जो अपन ओएस खाते थे ना, थोड़ा थोड़ा उसके जैसा है टेस्ट। अच्छा, मैं कैसे खाऊं वैसे? आया और मुंह में पिघल जाता, ये डॉग स्टाइल है ना? हाँ गाइस, हाथ से ही खा लेते हैं जो मैं साग है, मिलते हैं आप लोग थोड़ी देर में। गाइस यहाँ पर मैं कल एक चीज लेकर आया था, मैंने खाया था, कहाँ गया? माँ कहाँ रखा? फ्रिज में। ओ फ्रिज में रख दिया मम्मी ने, वो हम एक ब्रेड मतलब ब्रेड वाला लेकर आए थे तो वो देंगे अपन। भैया टीवी देखने में लगा है, मैंने भी खाया था कल एक, ये देखो ये, इसको स्वीट सैंडविच मम्मा बता रही हैं ऐसा, तो अपन भैया को देते हैं। हैं दुकान वाले ने, भैया देखो वहाँ बैठा हुआ है, उसको जाके देते हैं, सरप्राइज करते हैं। भैया हम आपके लिए एक चीज़ लाए थे कल, दे ठीक है, तो आप इतना बोल रहे हो तो दे देते हैं, क्या होगा बताओ? एक झलक दिखाई हमने आपको, कपकेक जैसा देखा। कपकेक अब बताओ। वो कुछ पिंक और उसमें एक शायद से कोई ब्रेड है। पास आ रहे हो। डोनट नहीं, ये डोनट ही समझ लो, उसी का बच्चा है। डोनट का बच्चा, ये लो बर्फ जैसा ठंडा। स्वीट सैंडविच मम्मा से सीखो, मम्मा को सब पता है। अरे वो दुकान वाले ने बताया था स्वीट सैंडविच है, तब मम्मा वही लगी है, स्वीट सैंडविच खाओ मजे करो। हाँ ऐसे ही खा लो। तो गाइस आज हम लोग फिर से जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि आज मंगलवार नहीं है ना, कल मंगलवार था इसलिए पूरा मार्केट बंद था, हम लोग को तो पता ही नहीं था, हम लोग बड़े से चले गए और आज मंगलवार नहीं तो आज तो पूरा मार्केट खुला होगा। तो हम लोग जा रहे हैं मस्त अपने ईयरबड्स लेने के लिए, क्योंकि दीदी अपने ले गई थी इसलिए, तो मम्मी भी रेडी हैं और मेरे पापा भी रेडी हैं, अब तो पापा भी आ चुके हैं तो पापा के साथ जाएंगे। सैंडल रख लेते हैं, सैंडल भाई अपन कहीं पे भी जाएं सैंडल पहन के जाते, क्योंकि अपन को सैंडल सही लगती है ना, पहले हम हर जगह जाते चप्पल पहन के, क्यों फिर बाद में मम्मी बोले लगी चप्पल पहन के जाते हो हर जगह, तो फिर सैंडल पहनने लगे हर जगह पर। जूते पहनना पसंद नहीं है क्योंकि जूते बार बार उतारो, कौन बार बार लेस बांध के पहने, इसलिए टाइम वेस्ट होता है उसमें, टाइम की बात भी कौन कर रहा है ही। हाँ वैसे अब टाइम नहीं रहता मेरे को भी, पहले बहुत टाइम रहता था, जब से स्कूल चालू हुआ टाइम ही नहीं रहता कुछ।
अभी गिर जाता। माँ गिरते गिरते बचा मैं। हरकत है क्या, चलते चलते नीचे आ रहे थे, गिरते गिरते बचे, धम 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 गिरते। सैंड ऐसी ऐसी फिसली, ऐसी ऐसी देखो, ऐसी 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 फिसली इस पे, क्योंकि ये चिकना है ना ये, इसलिए बच गए भाई। अभी हड्डी टूट जाती नहीं तो डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता। जा रहे थे ईयरबड्स लेने, जाना पड़ता डॉक्टर के पास। चलो अपनी गाड़ी रेडी है, चलते हैं जल्दी। अब यहाँ पर आए हैं गाइस, देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे कंबल हैं। और मैंने अपना सामान ले लिया है, आपको घर जाके दिखाऊंगा क्या लिया है। दो चीज़ें ली हैं। और ये देखो यहाँ पे सब, ये हम लोग पता नहीं कहाँ पर आए हैं, एक कोई दुकान है गली में, पापा लेकर आए हैं। तो मम्मी देख रही हैं यहाँ पर बेड की कवर है ना अम्मा, बेड कवर। क्यों, पिलो कवर, बेड कवर, इतने सारे हैं, हम भी देख लेते हैं हमारे पसंद का। हमको तो तकिया चाहिए यार, पिलो चाहिए एक अच्छा था, क्योंकि पिलो हमारा बिगड़ गया है। माँ पिलो दिला दो यार एक है, पिलो हैं, पिलो हैं, पिलो क्या पागल, तो पूछना तो पड़ता है कि है ना यार, पूछेंगे नहीं क्या। हम तो अपने बैठे हैं, ये लोग लगे हैं देखने में, जब देख लेंगे तो फिर अपन लोग दिखाएंगे हमारे ऐसी सेम तो घर पे है। गाइस तो हम घर आ चुके हैं और जो हमें सामान लेना था वो हम ले चुके हैं। और इस बार हमने अलग लिए हैं ईयरबड्स जो हमें लेने थे ना, दिव्यांश ले लिए हैं। अगर तुम ब्लॉग देख रहे हो तो मैं पापा की दुकान से, मतलब तुम्हारी दुकान से लिए हैं। ऐसे हम पता है हम वहाँ पर दुकान पर बोलते हैं कि हम एक जन को बता रहे थे, हम दूसरी दुकान गए थे तो वो पूछ रहे थे कहाँ से लिए, तो हम वहाँ पर बोलते हैं कि वो हमारा एक दोस्त है दिव्यांश के पापा की दुकान से। कहते हैं अच्छा उसके पापा की दुकान से, दिव्यांश की दुकान नहीं है। खैर का नहीं, मतलब उसकी भी दुकान है, मतलब दिव्यांश और उसके पापा दोनों की दुकान है। कहते नहीं तुम बोल रहे थे ना कि उसके पापा की दुकान से, तो हमने पूछा, हमने कहा नहीं नहीं दोनों की एक ही दुकान है। तो हम आपको दिखाएंगे गाइस, अनबॉक्स तो हो चुका है वैसे दुकान पे, क्योंकि देखना पड़ता है कि काम कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तो अपन ये ले लिया है, देखो अपन ने लिया है, क्या नाम है इसका पहले पढ़ लेते फिर बता रहे। ओप्पो इनको एयर टू प्रो, मस्त है ना, जब आपको खोल के दिखाएंगे जब ज़्यादा अच्छा लगेगा आप लोग को। तो चलो पूरा खोल के दिखाते हैं गाइस। देखो पनी तो इसकी पहले ही खुल चुकी है ना ये, और अब अपन इसको खोलते हैं। खुल जा 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 खुल जा, बस निकलने ही वाला है और थोड़ा और। हाँ निकल गया, इसकी भी थोड़ी पनी निकाल दी थी ऊपर से। ये है गाइस, एकदम चमक रहे हैं गाइस, कैसे लगे। यहाँ से नहीं खुलता, यहाँ से खुलता है। ये देखो गाइस क्या मस्त है, ये अभी न्यू आए हैं। हम सो रहे थे इसका कवर भी, अबे बंद ही हो गई, खतरनाक स्पीड में बंद हुई भाई, यहाँ बंद हो जाता है, अब फिर ना हो जाए बंद। अरे फिर बंद हो गई। देखो गाइस ये लिखा है इसमें, एल मतलब लेफ्ट वाले में पहनना है और राइट मतलब राइट वाले में पहनना है। ये देखो इसकी अभी पन्नी भी नहीं निकली है, नहीं तो आप लोग को झूठ बोल रहा है ना, पुराने वाले हैं अभी नए लिए हैं भैया। इसकी पन्नी वनी देखो, उसे बैग थैला रखा है जिसमें लिए हैं। चलो तब इसको रख देते हैं गाइस, यूज़ करके भी देख लिए, एकदम मस्त तेज वॉइस है यार इसका, इतना ख़तरनाक आवाज़ आती है ना, जब उसको कान में लगा के सुनते हैं मस्त है यार, मज़ा आ गई। पहले वाले से भी अच्छे लगे हमें, ये देखो इसमें पूरा डिज़ाइन इसका एक नंबर लगा, हमें कान में भी लगा के दिखा दे क्या, लेफ्ट ये है। बॉडीगार्ड क्या, टिट टिट आवाज़ आ रही है। अच्छा इसमें मोड होते होंगे, अच्छा इसको टच करें ना तो आवाज़ आती है, मोड चेंज होते होंगे। अभी न्यू लिए ना इसलिए ज़्यादा फ्यूचर्स नहीं पता है इसके, जब डब्बे में पड़ेंगे अपन इसके फ्यूचर्स। और गाइस और सामान भी लेकर आए हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। ये मम्मी का सामान है, मतलब मम्मी ने लिया है सब सामान। ये है एसी कवर, मतलब एसी कवर नहीं है, एसी में ओढ़ने वाले क्या बोलते हैं उसको, कंबल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलते होंगे यार, कंबल है भाई ये, कंबल रजाई कंबल, अपन को हिंदी में पता है।
ये है और एक ये है और एक ये है, तीन लिए हैं और भी कुछ लिया था ना, मेरी तकिए कहाँ गई, और ये और ये देखो गाइस कितनी सॉफ्ट है, ये मैंने अपने लिए ली है, इसमें मस्त ऐसे ऐसे मस्त मस्ती कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है गाइस, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये, अपनी पुरानी वाली है ना देखो कितनी वो है पतली है, ये पुचक जाती हैं इसलिए हमने ये वाली नई ले ली है, एक मस्त हो गया। चलो भाई अपना मम्मी की शॉपिंग भी हो गई, मेरी शॉपिंग भी हो गई, अब कोई दिक्कत नहीं है, ले जाओ तो भाई जो करना करो, मेरी ईयरबड से दीदी मेरे भी आ चुके हैं नए गाइस, तो अभी मैंने इसको फिर से यूज़ करा भाई, एक मस्त फ्यूचर है इसका, पता है अगर अपन लोग साइड में देर तक टच करे रहेंगे ना, देखो अभी पूरे अपन को पंखे में क्योंकि बाहर की सब आवाज़ आएगी, और अगर अपन इसको टच करे रहेंगे ना तो फिर अपन को बाहर की आवाज़ नहीं आएगी, सब बंद हो जाएगा, ये फ्यूचर अच्छा लगा मेरे को, तो ये मेरे को बहुत अच्छे लगे हैं, इसके लिए एक लाइक कर देना। तो गाइस इस ब्लॉग को एंड करते गाइस, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगता है इस ब्लॉग के लिए एक लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं कल से के ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, नहीं मिलते हैं कल शाम के ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।